हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं मुशिंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये इनसाइट ऑन इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो जब राइटिंग करते हो तो वो आपको करनी चाहिए। एक्चुअली कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि देखिए, कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले लैंग्वेज को सीखता है, उसके बाद वो ग्रामर को सीखता है। ओके, तो उसी के कारण उसका ग्रामर जो है परफेक्ट होता है। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करो, ग्रामर अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्रामर, मतलब हर एक चीज़ जो है वो ग्रामर की या फिर लैंग्वेज की आपकी सही होनी चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और आपको राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। और यह है इनसाइट ऑन इंडिया का सिनॉप्सिस। क्योंकि देखिए, मैं अपना खुद का आंसर क्यों यहाँ पे नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक आपको आइडियल आंसर देने की मैं सोचता हूँ, या फिर मैं खुद का भी मेरा आंसर दे सकता हूँ यहाँ पे कि मैं किस तरीके से राइट करता हूँ। ओके, लेकिन मैं वो नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि फाइनली यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इनसाइट्स ऑन इंडिया पे या फिर IAS बाबा पे या फिर किसी और साइट पे, उनके व्यूज़ लेके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, द हिंदू, जैसे ये आर्टिकल द हिंदू से है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चाहे जितनी हो, आपकी लैंग्वेज चाहे चाहे जितनी लीनियंट हो, ज़्यादा पावर ना हो आपकी लैंग्वेज में, चल जाएगा। पावर ना हो मतलब इसका मतलब आप अगर द हिंदू के बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हो आपके इसमें तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन आपको राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको अगर मेंस में जाना है तो राइटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, इंटरव्यू तक अगर पहुँचना है तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक क्वेश्चन। तो ये टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन एंड सोशल एम्पावरमेंट। ओके, सो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, ये है GS1 का टॉपिक। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ द सेक्स रेशियो एंड फीमेल लिटरेसी, नागालैंड स्कोर्स ओवर द हरियाणा। तो जो देखिए, सेक्स रेशियो में देखा जाए और फीमेल लिटरेसी रेट में अगर देखा जाए तो नागालैंड जो है वो ज़्यादा अच्छा है हरियाणा से। मतलब वहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है और फीमेल लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। हाउएवर, इन टर्म्स ऑफ अगर पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ द वुमन देखें, देखिए पॉलिटिकल इंपावरमेंट अगर ऑफ वुमन अगर हम देखेंगे तो हरियाणा स्कोर्स ओवर नागालैंड। तो बेहतरी जो है वो हरियाणा की ज़्यादा है नागालैंड के ऊपर। ओके, सो पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ वुमन हरियाणा में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नागालैंड। सो डिस्कस कीजिए कि ऐसा क्यों है। ओके, तो ये आपको जानना है यहाँ पे। तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ वुमेन क्यों जो है वो कम है नागालैंड में, एक तरीके से वो हमको यहाँ पे बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे सिनॉप्सिस है इनसाइट ऑन इंडिया का, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। इशू ऑफ फीमेल लिटरेसी, रिजर्वेशन एंड सेक्स रेशियो आर द वेरियस पैरामीटर्स वेयर द लेवल ऑफ वुमेन इंपावरमेंट कैन बी मेजर्ड। तो लिटरेसी हो गया, रिजर्वेशन हो गया और सेक्स रेशियो, इन तीन चीज़ों से एक लेवल ऑफ वुमेन इंपावरमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, फीमेल लिटरेसी, रिजर्वेशन, सेक्स रेशियो, तीन चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पैरामीटर्स, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हम वुमेन इंपावरमेंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बट देयर आर वेरियस अदर सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है दैट इक्वली प्ले द क्रिटिकल रोल इन दिस पैरामीटर्स इन वेरियस स्टेट्स। सो ये देखिए, सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत, बाकी की जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस होती है वो भी इक्वली रोल प्ले करती है जब हम वुमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं तो। ओके, सो यहाँ पे ये इनफॉर्मल कुछ दिया हुआ है इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये आपको आंसर में नहीं लिखना है ऐसा कुछ। ओके, एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नोट द बैकग्राउंड ऑफ द इशू इन नागालैंड एंड हरियाणा। सो हरियाणा और नागालैंड में जो इशू चल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है वो हम पहले जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो देखिए, नागालैंड में क्या हो रहा है एग्जैक्टली मैं आपको बता दूँ। सो नागालैंड का जो कन्फ्लिक्ट है वो है नागा कस्टमरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स के बीच में। सो देखिए, नागा कस्टमरी लॉज क्या बोलते हैं कि एक तरीके से वुमेन को लैंड के ऊपर राइट नहीं होना चाहिए। ओके, नागा कस्टमरी लॉज में ये कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है, देखिए वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नागा होहो। नागालैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नागा होहो। तो वहाँ पे उनके जो कस्टमरी लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि वुमेन कोई लैंड ऑक्युपाई नहीं कर सकती, और उस नागा होहो में है 18 ऑर्गेनाइजेशन, कितने हैं सॉरी 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, और हर एक ग्रुप के पास एक लैंड का पीस है, मतलब पीस ऑफ लैंड है। ओके, सो पीस ऑफ लैंड होने के कारण क्या होता है कि अगर इस नागा ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वुमेन आ जाती है MLA बन के, या फिर अगर कोई बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल इम्पावरमेंट होता है वुमेन का, और वुमेन जो है वो पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो अपना नेतृत्व करती है, तो ये लैंड जो है वो वुमेन वुमेन का एक राइट बन जाएगा।
तो वो ये नहीं चाहते। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नागा कस्टमरी लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ट्रिबल बॉडीज लेड बाय द अपेक्स ग्रुप नागा होहो सेज 33% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द वुमन वुड इन्फ्रिंज अपॉन द नागा कस्टमरी लॉज। तो हमारे देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि 33% जो है वो रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को जो है वो दिया जाएगा, लेकिन ये बोल रहे कि ये हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, ये हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है नागा कस्टमरी लॉज के राइट्स को। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए हमेशा इन्फोर्स करता है चीज़ों को करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है ये चीज़ें करने के लिए। यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा है, वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द राइट आर्टिकल ऑफ 371A के तहत ये देखा जाता है कि नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट शॉल अप्लाई टू द नागालैंड इन रिलेशन टू। सो कोई भी एक्ट जो है वो नागालैंड में, कोई भी पार्लियामेंट के एक्ट जो है वो नागालैंड में अप्लाई नहीं हो सकती इन रिलेशन टू, मतलब इन चीज़ों में अप्लाई नहीं हो सकती। देखिए कौन कौन सी चीज़ें है ये, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास, नागास की रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जो है उसका अगर हनन होता है ओके, तो ऐसी चीज़ें पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता ओके। नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर को अगर हनन होता है तो ये भी चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं हो सकती ओके, नागा कस्टमरी लॉज। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमरी लॉज। सो अगर एडमिनिस्ट्रेशन है सिविल और क्रिमिनल जस्टिस में इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉज, तो यहाँ पे भी मतलब इस रीजन में इस इशू पे भी गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता ओके। अगर वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली ये इस तरीके के बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नहीं दे सकती जब तक वो ना चाहे। ओनरशिप एंड द ट्रांसफर ऑफ द लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, तो मतलब ये नागा के ही है पूरे, मतलब नागालैंड के पूरे राइट्स है ओनरशिप ऑफ द लैंड पे या फिर ट्रांसफर ऑफ द लैंड पे और उसके रिसोर्सेज पे ओके। सो उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं नागालैंड में जो कि पॉलिटिकल इम्पावरमेंट को रोक रही है ओके। अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं मैं तो नागालैंड की एक भी वुमेन फिलहाल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, MLA और नहीं है। और अगर देखा जाए तो अपना हरियाणा में जो है वो 14% वुमेन जो है, 14% वुमेन जो है वो पॉलिटिकली इम्पावर्ड है, मतलब 14% वुमेन जो है वो यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में आती है। ये द हिंदू का डाटा है ओके। सो ये आपको याद रखना है, ये आप पॉइंट लिख सकते हो इसमें ओके। सामने चलते हैं, तो ये देखिए नागा होहो का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जब आसाम के साथ इन्होंने कोऑपरेशन किया था तो ये उनकी तस्वीर है नागा होहो ग्रुप की। इसमें कोई आसाम ऑर्गेनाइजेशन का होगा, कोई नागा होहो का होगा, एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है इसमें पूरे नागा होहो के मेंबर है ओके। सामने चलते हैं, इट्स अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द 243 आर्टिकल डी विच गिव्स 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। देखिए 243D में क्या है कि 243D में यह है कि आप रिजर्वेशन दोगे वुमेन को 33% बराबर है, और 371A में स्पेशल स्टेटस दिया गया है नागालैंड स्टेट को बेस्ड ऑन डिस्टिंग पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। उनका जो पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो 243 में तो एक बोला जा रहा है कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को, और 371 में एक तरीके से स्पेशल स्टेटस नागालैंड को दिया गया है कि जब तक वो ना चाहे तब तक हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल दिया है। सो इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 243M गिव्स एक्सेप्शन टू द रिजर्वेशन पॉलिसी स्पेल्ड आउट अंडर 243D। तो देखिए 243D ये बाद में आता है 243M। सो 243M में मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। 243M में लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल में लिखा गया है 243D के आर्टिकल में जो भी लिखा गया है वो इस रीजन में अप्लाई नहीं होगा। इस रीजन में कौन कौन से, देखिए नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, मिजोरम में अप्लाई नहीं होगा ओके, और मणिपुर में अप्लाई नहीं होगा। सो इन यहाँ पे इन स्टेट्स में ये अप्लाई नहीं होगा ओके। सो तो ये बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है यहाँ पे, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो वुमन वहाँ की ज़रूर चाहती है, तो यही इशू उभर के आया हुआ। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए वुमन ने जो है वो वहाँ पे स्ट्राइक की है, और साथ ही साथ में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी बोल सकते हैं कि पेटिशंस भी आई है कोर्ट में कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वुमन का होना चाहिए, 33% रिजर्वेशन जो है वो नागालैंड में वुमन को मिलना चाहिए ओके। सो ये आर्टिकल्स है दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, 243D एंड 371 का कन्फ्रंटेशन, मतलब इनका आमना सामना हो रहा है फिलहाल इन दो आर्टिकल्स का, तो उसको आपको याद रखना है। 243M आर्टिकल भी आपको साथ में लिखना है, क्योंकि यही आर्टिकल्स अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप फिच कर पाओगे। चलते हैं हरियाणा की में, देखते हैं क्या हो रहा है कि इन द स्टेट अमेंड सॉरी द स्टेट अमेंडेड द स्टेट पंचायत राज एक्ट। सो जो हरियाणा में है स्टेट पंचायत राज एक्ट अगर आपको पता है तो 2015 में अमेंड हुआ था
ओके इवन इंक्लूडिंग द क्राइटेरिया सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसका अमेंडमेंट बहुत ही अच्छा था, इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है एंड स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट्स टू मीट वाइल सीकिंग द इलेक्शंस टू द पंचायत बॉडीज। ओके तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि उनके घर में टॉयलेट्स वगैरह होनी चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं उसमें, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा हुआ है कैंडिडेट्स के लिए जो कि इलेक्शन यहाँ पे सीख करना चाहते हैं। दोज हु वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन दे नीड टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। ओके एकेडमिकली मेन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी हैड टू मैट्रिकुलेट। ओके सो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको मैट्रिकुलेट मतलब दसवीं पास होनी ही चाहिए। वुमन एंड द शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स हैड टू हैव पास द मिडिल स्कूल, मतलब सातवीं आठवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ होना चाहिए मिडिल स्कूल मतलब। तो यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, वुमन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट के मेल जो है वो आ रहे हैं इसमें, जो कि सातवीं आठवीं उनको पास होनी चाहिए। लेकिन एस सी वुमेन जो है, वाइल एस सी वुमेन शुड हैव पास द स्टैंडर्ड फाइव। ओके एस सी वुमेन वुमेन की अगर बात करें तो उन्होंने स्टैंडर्ड फाइव पास कर लेना चाहिए, वो एलिजिबल हो जाएंगी। दिस रेज द क्रिटिसिज्म एज डिसक्वालीफाइड 68% ऑफ द वुमेन एंड 41% ऑफ द एस सी मेन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए लिटरेसी रेट बहुत कम है हरियाणा का, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे मात खा रहे हैं एक तरीके से, जो जो ये एक्ट है यहाँ पे मात खा रही है एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 60% जो है वो एस सी वुमेन वैसे ही हट रही है क्योंकि उनके पास उतनी लिटरेसी रेट नहीं है। ओके तो उतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं, तो 68% वुमेन जो है वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर पाएगी, और 41% ऑफ द एस सी मेन इस इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सातवीं आठवीं तक भी पढ़े हुए नहीं है। लेकिन एक तरीके से एक इनिशिएटिव है, एक अच्छा एक्ट पास किया गया है, इसको हम बोल सकते हैं। ओके सो ये है पॉलिटिकली डिफरेंट सिनेरियो, सॉरी एक डिफरेंट सिनेरियो ऑफ द टू स्टेट्स। वहाँ पे एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिल रहा है वुमन को, और यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 14% बोल सकते हैं वुमन फिलहाल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे। ओके और वहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब नागालैंड में 0 MLA है। ओके एक भी MLA नहीं है, 0 MLAs है फ्रॉम नागालैंड वुमेन। ओके सो देखते हैं एनालिसिस क्या मिलता है यहाँ पे। द अबो सेड इशू शोज दैट द इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेट्रियार्कियल सेटअप होने के बावजूद भी, और ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद, खाप पंचायत हो गया जैसे कि हरियाणा में, द पॉलिटिकल विल पावर कैन लीड टू द वे ऑफ इगलेटेरियन सोसाइटी थ्रू लीगल मीजर्स। सो एक पॉलिटिकल विल पावर अगर होगा उनमें, ओके तो एक इक्वल सोसाइटी ये बना सकते हैं। ओके एक इक्वल सोसाइटी कैन लीड टू द वे ऑफ इक्वल सोसाइटी थ्रू द लीगल मीजर्स के द्वारा ये इक्वल सोसाइटी बना सकता है। इक्वल सोसाइटी कैसे बोल सकते हैं कि देखिए हरियाणा का एक और भी इशू है कि हरियाणा में सेक्स रेशियो जो है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे लड़कियों की बहुत कमी है। ओके सो ये चीज़ थोड़ी सी अलग होगी, सॉरी फॉर दैट वन। तो एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी उनको बनानी है थ्रू द लीगल मीजर्स, और ये पेट्रियार्कल सेटअप होने के बावजूद, ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी हो नहीं पा रहा है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल विल पावर अगर लोगों में होगी तो ये हो सकता है। एज इन केस ऑफ द नागालैंड द प्रोटेस्ट बाय वुमन ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट टुवर्ड्स द राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स इन डिस्टेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर नागालैंड में देखा जाए, नागालैंड की केस में अगर देखा तो वुमन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उनमें एक अवेयरनेस बढ़ रहा है कि पॉलिटिकली अगर इम्पावर्ड होंगी महिलाएं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सोसाइटी को और बाकी की वुमन्स को या फिर बाकी की वुमन्स ऑर्गेनाइजेशन को। ओके द कंपेरिजन बिटवीन द टू स्टेट्स दो नॉट टोटली रैशनल टू डू। देखिए एक टोटली रैशनल, एक टोटली लॉजिकल नहीं होगा कि हम दो स्टेट्स के बीच में कंपेरिजन करें। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक तो एक तरफ से है ट्रिबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रिबल सोसाइटी है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से एक खाप पंचायत वाली सोसाइटी आ जाती है। ओके सो एक डिफरेंट सिनेरियो है यहाँ पे दोनों के इसमें, तो यहाँ पे एक लॉजिकल कंपैरिजन नहीं बोल सकते हम यहाँ पे। ओके सो द कंपैरिजन बिटवीन द टू स्टेट्स दो नॉट टोटली रैशनल टू डू शोज दैट द पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन द सोसाइटी। मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में भी जो है हैंड इन हैंड एक डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि एक सोसाइटी में बैलेंस जो है वो मेंटेन कर पाए। द अपसर्च ऑफ द प्रोटेस्ट इन नागालैंड इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ सच अ पॉसिबल इम्बैलेंस दैट एस्केलेटेड इनटू वायलेंस। तो देखिए एक अपसर्च हो रहा है कि वुमन को हम राइट्स नहीं देंगे, मतलब तो एक प्रोटेस्ट हो रहा है नागालैंड में, तो ये नागालैंड एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि इम्बैलेंस तो हो रहा है और ये वायलेंस तक एस्केलेट भी हो सकता है। द वेरिएशन इन द टू केसेस हाईलाइट्स द नीड ऑफ द सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एट स्टेट लेवल। दोनों भी केस में जो है वो एक ज़रूरत महसूस होती है लोगों को या फिर सोसाइटी को। ओके कि पॉलिसी फॉर तो एक जरूरत महसूस होती है। द वेरिएशन इन द टू केसेस हाईलाइट्स द नीड ऑफ द सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए स्टेट लेवल पे। द माइनूट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लान्स एंड द प्रोग्राम्स मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन द स्टेट लेवल वेरिएशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। ओके सामने बढ़ते हैं। फाइनली जो है वो ये लाइन दी गई है, द हरियाणा एंड नागालैंड स्टेट्स आर गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी अमॉन्ग द वेरियस स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो देखिए हरियाणा और नागालैंड का हम एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं कि हम एक डाइवर्सिटी महसूस कर सकते हैं यहाँ पे, एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी अमंग द वेरियस स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में हमारे जो अलग अलग स्टेट है वो अलग अलग एक स्टांस ले सकते हैं
या फिर अलग अलग स्टांस है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में अलग अलग स्टेट का, दैट क्रिएट्स रिमार्केबल इम्पैक्ट ऑन वुमन एम्पावरमेंट। देखिए कैसे एक तरीके से अगर हरियाणा में इम्पावरमेंट हो रहा है वुमन का, तो बाद में नागालैंड की वुमन भी सामने आएंगी और वो भी बोलेंगी कि हमको भी इम्पावरमेंट चाहिए। तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक अवेयरनेस हो रहा है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक दूसरे की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके सो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अवेयरनेस हो रहा है और एक एम्पावरमेंट वुमन का इस तरीके से सामने आ रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन।